हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एलईडी एलसीडी टीवी के पैनल में जो वोल्ट मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं और कितना मिलते हैं उसके बारे में। तो मेरे पास यहां पे दो किट रखे हुए हैं, देख सकते हैं, ये सब एलईडी टीवी का है ना, और एक तो ये भी है, ये मार्केट से लोकल मिलता है। तो इसके पिन पे एलवीडीएस कनेक्शन जो पैनल के लिए जाता है वो यहाँ से जाता है, देख सकते हैं, यहाँ ये वाला पिन से, और इसमें भी दिया है, ये देख सकते हैं। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता करें इसको देख लीजिए। इसके पॉजिटिव की ओर देखते हैं, वाइट कलर का दिया रहता है, आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाइट दिया है, ये इसका पॉजिटिव है, जबकि इधर आपका नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे वाइट कलर का दिया है संकेत। इसी समझ में आ जाता है कि इधर पॉजिटिव है प्लस की ओर, ठीक है ना, प्लस की ओर रेड वायर जुड़ा रहता है, जोड़ना है, ठीक है। और इसमें भी उसी प्रकार के आप देख सकते हैं, इसकी पॉजिटिव ये वाला, यहाँ पे देख सकते हैं संकेत दिया है तीर का, ये डॉट, ये इसका पॉजिटिव ए है, ठीक है। आपको शायद कैमरा में ठीक से दिखाई ना देता हो, जबकि इधर नहीं है, तो इसी को देख के हम लोग समझ जाते हैं इसका पॉजिटिव किधर है, ठीक है ना, प्लस की ओर। तो आइए चल, और यहाँ से जो एलवीडीएस कनेक्शन जो जाता है हमारे पैनल में उस पर कितने कितने वोल्ट मिलते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे और बताएंगे आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आपको एलवीडीएस का कनेक्शन जो जाता है पैनल में उनमें आपको कितना कितना वोल्ट मिलता है उसके बारे में। तो देखिए, पहला नंबर जो आपको एलवीडीएस में के जो कनेक्शन जाता है उस वाले किट प्लेट में मिल सकता है, बीसीसी लिखा हुआ, बीसीसी या तो फिर VIN, ये भी हो सकता है, या तो VAA, ठीक है, ये आपको पैनल में मिल सकता है, मेन सप्लाई है जो जिससे पैनल चलता है, ठीक है दोस्तों, पैनल का। और इसमें पैनल देखिए कितने वोल्ट का आता है, आपको बता दूं, पैनल आता है इसमें 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, ठीक है, और 12 वोल्ट। आपको किसी भी पैनल में कितना वोल्ट का मिलेगा, ठीक है, या तो आपको मिलेगा 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, या तो 5 वोल्ट, या तो फिर 12 वोल्ट, ठीक है। आजकल के जो बोर्ड आ रहे हैं उसमें सभी में आपको 12 वोल्ट मिलेगा। तो आपको किट में यही देख रहे हैं, VCC लिखा होगा, या तो VN लिखा होगा, VIN, या तो VAA, ठीक है, ये वाला वोल्ट आपको क्लियर करना है। नंबर दो में आपका आएगा VDD, ठीक है, ये हो सकता है, या तो फिर आपका हो जाता है, हो सकता है VLOGIC, ये लॉजिक भी हो सकता है, और फिर या तो फिर आपका DVDD, ये भी हो सकता है, और इसमें आपको मिलेगा 3 वोल्ट से, ठीक है दोस्तों, 3 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट तक, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। और आपका हो गया तीसरा में आपको पैनल में ही खोजना पड़ेगा, किसी पॉइंट पर होगा VCORE, VCORE ये लिखा हो सकता है, ठीक है, और इसमें आपको मिलेगा कितना, 1.1 वोल्ट से लेकर 1.3 वोल्ट तक, ठीक है, इसमें मिलेगा आपको ये सब, और ये आपको उसमें खोजना पड़ेगा, पैनल में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, प्रिंट किया हुआ, ठीक है। और आपका चौथा नंबर जो है वो ये भी DD, ठीक है दोस्तों,
ये भी मिलेगा। और इसमें कितना वोल्ट मिलेगा उसको देखते हैं, एवीडीटी या तो इसके जगह में आपको मिलेगा वी डी डी ए। ठीक दोस्तों, इसके जगह में मिल सकता है आप लोग का, एवीडीटी की जगह में मिल सकता है वी डी डी ए। और यहाँ पे आपको कितना वोल्ट मिलेगा, 6.6 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट से 9 वोल्ट तक, 9 वोल्ट तक ये वाला सप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और आपका पांचवा नंबर जो है HV HV TD, ये वाला भी पैनल में खोजना पड़ेगा आप लोगों को, या तो इसके जगह में आप लोगों को मिल सकता है HEVDD। ठीक है दोस्तों, और यहाँ सॉरी दोस्तों इसको तो बता चुका हूँ, है ना, ऊपर वाला पॉइंट है 4 नंबर का। ठीक है, ए बी डी डी आपका हो गया, और ए डी डी 6 वोल्ट से 9 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, पाँचवा पे यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, पाँचवा पे दोस्तों आते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कौन सा है जी जी एच। ठीक है, इसके जगह में आपका आपका हो सकता है VON ये भी हो सकता है, या तो फिर हो सकता है आपका VGON। ठीक है दोस्तों, ये तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, और एक और भी हो सकता है, क्या आते हैं वो बता देता हूँ, VDDG। ठीक है दोस्तों, ये भी हो सकता है, और इसमें आप लोगों को मिलेगा 20 वोल्ट। ठीक है ना, 20 वोल्ट से 32 वोल्ट तक, 32 वोल्ट तक आपको ए वाले इसमें मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं आपको इनमें से कोई भी कितना लिखा हुआ मिल सकता है। तो चलते हैं अब छठवां की ओर, तो छठवां नंबर जो है आपका आएगा VGL। ठीक है दोस्तों, VGL या तो फिर हो सकता है VOF। ठीक है, या तो फिर आपका हो सकता है VGOF। ठीक है, या तो फिर हो सकता है आपका VEEG। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को मिलेगा 5 वोल्ट से 11 वोल्ट तक, इसी हिसाब से आप लोगों को मेजर करना है। ठीक है, और चलते हैं सातवां की ओर, यहाँ पे आपको मिलेगा VCOM VCOM। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 5 वोल्ट से, ठीक है, 5 वोल्ट से लेके 7 वोल्ट तक मिलेगा ये वाला VCOM में। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं आठवां में, रिफरेंस री, यहाँ पे आपका REF ये हो सकता है, और इसमें मिलेगा रिफरेंस वोल्टेज, है ना, वोल्ट VOLTAG वोल्टेज। ठीक है, ये आपको मिलेगा 12 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, प्लस और एक तो है आपको मिलेगा वोल्टेज जो बता दे रहा हूँ, वो है 9वां नंबर, वो है GAMA गामा आउटपुट। वीडियो रिकॉर्डिंग होता है यार, ठीक है, गामा आउटपुट तक इसके हमें मिलेगा VCM, ये वाला सप्लाई आपको मिलेगा 1 वोल्ट से लेके
14 वोल्ट तक। ठीक है, तो वीडियो में तो ध्यान से देख लिए, आपको किट में ये सब मिल जाएगा पैनल में। ठीक है ना, VCC हो सकता है या तो VIN हो सकता है, तो VW हो सकता है। इसका मिलेगा आप लोगों को 3.3 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, ये पैनल है। ठीक है, पैनल जितने वोल्ट का है उतने वोल्ट का सप्लाई। ठीक है, इससे सप्लाई को नाप के पता है आप कर सकते हैं, यदि 3.5 वोल्ट का है कि 5 वोल्ट का है कि 12 वोल्ट का है पैनल का सप्लाई। ठीक है, इतना वोल्ट मिलने के बाद वो वर्क करने लगता है। उसके बाद आप लोगों को ये जो VDD दिया है, भी लॉजिक दिया है VDD, इसमें 3 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक, उसी तरह से नीचे भी दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को पैनल में क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है और उसमें वोल्टेज जो लिखा हुआ है उतना मिलना चाहिए, मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको और किस तरह से जानकारी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।